एक ऐसा काम करती हूँ हर साल जो निस्वार्थ भाव में करती हूँ, पेड़ लगाती रहती हूँ हर साल, कभी 100 कभी 200, और जो ज़मीन पे पड़े हुए बीज होते हैं वो उनको इकट्ठा करती हूँ। और इस संस्था से जुड़ के मुझे ऐसा लगा है कि मुझे मुट्ठी भर लोग मिले हैं जो मेरे साथ जुड़कर आगे ये काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर। और जो ये मुट्ठी बंधी है बंधी रहे, और इनसे मैं और भी सीखूँ और मैं इनको जो दे सकती हूँ वो दूँ। थैंक यू। मेरा नाम मंजुला सिंघल है और ये कोर्स करने के लिए मैं आई थी, जस्ट ऐसे ही कुछ नया सीखना है, लेकिन यहाँ आकर तो ऐसा लगा कि हमारी बिल्कुल आँखें ही खुल गई, जो हमारा पुराना वैदिक ज्ञान था खेती का और उन सब चीज़ों के बारे में पता चला, गौ माता की इम्पोर्टेंस के बारे में, गोमूत्र गोबर की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला। और ये लगता है कि ये सब कुछ चीज़ें हमें जानना चाहिए और अपने जड़ों से दोबारा जुड़ना चाहिए। खेती के होम गार्डनिंग के बारे में बेसिक चीज़ें हमें पता चली और इसको अब हम करते रहेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे। बहुत ही सुंदर ज्ञान है जो गुरु जी ने हमें दिया है। धन्यवाद। शिवाली चोपड़ा, मैं स्पेशली ये कोर्स के बारे में, जब मुझे पता चला अपनी सिस्टर नौ से, मैं स्पेशली ये कोर्स करने के लिए आई। अंदर से मेरी यही फीलिंग थी कि कुछ ऐसा करूं। गुड़गांव से मैं ये कोर्स करने इसीलिए आई क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं क्या है, अंदर से जो आवाज़ होती है ना वो बोलती थी कि कुछ ऐसा सीखना जिससे मैं धरती के साथ दोबारा से जुड़ सकूँ, क्योंकि हम सब धरती से ही पैदा हुए हैं और उससे कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप धरती से जुड़ोगे नहीं, आप में वो स्थिरता लाइफ में, आप आप आगे वो सब चीज़ें नहीं दे सकते पूरे संसार को, अगर आप खुद क्लोज टू नेचर क्लोज टू अर्थ नहीं हो, आप में वो सॉफ्टनेस नहीं आएगी। पर उसके लिए जो मुझे ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग सीखनी है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरी फैमिली भी जुड़े उन सब चीज़ों से, सिर्फ हम अपने लिए ना उगाएं, हम आसपास लोगों को भी वो चीज़ सिखाएं और साथ में वो चीज़ दें भी। ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ उगा रहे हो तो वो आपके लिए, इट शुड बी फॉर एवरी वन अराउंड। मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि मैं ये चीज़ आगे फॉरवर्ड कर सकूँ, ये ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग टू माई किड्स टू माई फैमिली। एंड थैंक यू सो मच, ये इतनी सुंदर क्लास थी, इतने पॉजिटिव लोग मिले। एंड थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू टू माई सिस्टर जिन्होंने मुझे कोर्स के बारे में बताया। आई एम सीरियसली फ्रॉम माई हार्ट आई फील सो हैप्पी टू बी इन दिस 3 डेज कोर्स। एंड शायद मैंने आज सुबह चले जाना था, बट शायद राम जी चाहते थे कि मैं यही रुकूँ, तो मैं यहाँ ये लास्ट डे कोर्स कम्प्लीट करके जा रही हूँ, विच आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। जब आप कह रहे थे कि आंख बंद करके आप गॉड को याद करो, तो आज मैं सिर्फ राम जी को आंखों के आगे देख रही थी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू आर सच अ ब्यूटिफुल सोल्स। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। हर कोर्स के पीछे कोई ना कोई मंशा होती है, एक लक्ष्य होता है आपका। तो यहाँ पर जो हम सीखते हैं, हम अपनी नेचर के पास आते हैं। आपकी नेचर आपकी अपनी आत्मा है, परम प्लस आत्मा, ये इससे कनेक्टेड होती है। और जहाँ तक मुझे लगता है, हम लोगों को चाहे कुछ टाइम हुआ ये कोर्स किए हुए, लेकिन एक चीज़ आप फील करेंगे कुछ टाइम के बाद कि आपका एक्सपीरियंस काउंट करेगा। यहाँ पर आप जो कर रहे हैं उससे आप अपनी गलतियों से ही सीखेंगे और आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ है हर कोर्स के अंदर, कि आप अपने आप को भी रियलाइज कर रहे हैं, आप अपनी नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। नेचर हमारी मदर नेचर, हम इसे वर्ड यूज़ करते हैं मदर नेचर, मदर नेचर इसीलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी हमारे परमात्मा से, हमारे परमात्मा, जैसे अंकल ने भी ये बात बोली कि हमारी सोल जो है भगवान की जो इबादत है, उसकी प्रार्थना है, उससे कनेक्टिविटी क्या है, सेवा में है। हम पौधों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली रियालिटी इज दैट कि हम अपनी सेवा खुद कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पौधे ही नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस मैटर्स, और एक्सपीरियंस के अलावा आप क्या अनुभव करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब आप किसी काम को अनुभव से करते हैं, उसके फील से करते हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू। मेरा नाम हरिराज है और मैं आधा बिल्डिंग से पिछले 8-9 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने काफ़ी कोर्स कर रखे हैं,
जिसकी वजह से मुझे हर कोर्स में कुछ ना कुछ नया मिलता है और ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ापे की ओर नहीं जवानी की ओर बढ़ रहा हूँ। और इसीलिए मेरा इंटरेस्ट बना कि मैं ये कोर्स भी करूँ। पहले मन में आएगी लेडीज़ के लिए कोर्स है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं खाली आदमी कम से कम अपने गार्डन को देख सकता हूँ और माली का सहारा लेना पड़ता है, वो काम सही नहीं होता, तो उम्मीद या कुछ ये इच्छा हुई कि मैं अपनी जानकारी थोड़ी सी बढ़ाऊँ। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है समझना और करना। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तो कर भी नहीं पाएंगे। और इसमें एक चीज़ मुझे जो विशेष मिली वो मिली आध्यात्मिक जुड़ना, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ बहुत पुराना साधक हूँ। तो एक शब्द आता है निरंतर, यानी भगवान की सेवा, भगवान को याद करना निरंतर। तो एक क्वेश्चन था दिमाग में कि निरंतर कैसे हो, हम अगर भगवान का नाम पर जाप भी करते हैं तो घंटे आधे घंटे कर लेंगे, दो चार घंटे कर लेंगे, लेकिन 24 घंटे हम कैसे करें। तो अब ये धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा है कि हर कार्य भगवान की सेवा है। हम पौधों को बारे में जानना, पौधों की सेवा करना भी भगवान की सेवा है। और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस कोर्स को करने के बाद, और मैं आशा करता हूँ कि दीपाली जी मुझे सहयोग करती रहेंगी। मेरा नाम मनीष भटनागर है और आर्ट ऑफ लिविंग से गुरु जी से हम पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी शुरुआत आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस कोर्स से हुई थी। तो उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद काफ़ी मेरे में बदलाव आए और काफ़ी अच्छा महसूस करा, हालांकि मैं उसको रिपीट नहीं कर पाया। और उसके बाद बेंगलोर से एक दीदी आई थी, उन्होंने कोर्स कराया था 5 डेज का, मैंने किया था, वो भी बहुत अच्छा लगा कोर्स। तो मैंने उस कोर्स और ये जो हमने अभी कोर्स किया है दीपाली जी आपके कोर्स में, उसमें ये महसूस किया कि उसमें एक हम मोमेंटली 4-5 दिन के हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये लग रहा है कि ये हम एक होता है ना कि मन और बॉडी दोनों एक प्योरिफिकेशन हो गया, इस तरह का महसूस हो रहा है। और आगे आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड बना रहे हैं हम, अगर हम इस पर काम करें। और ये शुरुआत है और इसको हम आगे लेके चलेंगे तो ये बहुत बड़ा एक बैटल ग्राउंड है जो हमें बहुत कुछ तरीके से आगे हमें इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है विदिन फैमिली भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलते हैं कई बार, हम आगे चलते हैं कि ठीक है ऐसे कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, लेकिन हमारा अपने को लेके चलना है कि हमारा एम है कि हमारी जो जनरेशन है पीछे उनको ऐसा टाइम ना देखना पड़े कि वो कहें कि भाई पीपल का पेड़ कैसा होता है और बरगद का पेड़ कैसा होता है, तो पता ही ना लगे। तो मैंने जाना कि ये कोर्स और सही में अपने हाथों में लेके जो भी हमने गौमूत्र किया, ऐसा महसूस करा कि कुछ हमारे अंदर कुछ एनर्जी जनरेट हुई है उसके हिसाब से, और सब देखते हुए मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और आगे ये हम इसको कोशिश करते रहेंगे कि इसको हम आगे प्रमोट करें। जय गुरुदेव। हम लोगों ने प्रैक्टिकली जो सीखा था फिर उसको प्रैक्टिकली जब करना शुरू करा तब पता चला कि क्या क्या कठिनाइयाँ जो लोग ये करते हैं, जो फार्मर्स काम करते हैं, उनको आती थी और कैसे हमने उसे ओवरकम करा अपनी इस नॉलेज से जो हमें इस कोर्स में मिली थी। और अपने छोटे से लेवल से हम लोगों ने शुरू करा है काम करना, जैसे हम एंजाइम भी बना रहे हैं तो छोटे से लेवल पर हम अपने जो ओजोन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, छोटा सा एनवायरमेंट क्लीन कर रहे हैं, थोड़े छोटे लेवल पर अगर सब लोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम नेचुरली ना वो एनवायरनमेंट फिर से पा सकेंगे जो भी मिला था।